हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो पे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आर्म लाइसेंस के बारे में, कैसे दोस्तों आप गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आर्म लाइसेंस के बारे में, कैसे दोस्तों आप गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लाता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लिए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके पूरा प्रोसेस समझाता हूं कि कैसे आप गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ऑफलाइन भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में आप लोगों को बहुत अधिक मतलब प्रॉब्लम आएगा अप्लाई करने में। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को आर्म लाइसेंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होना बहुत अधिक जरूरी है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट ये है कि पहले आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आप लोगों का एक एफिडेविट बनवाना होगा, एफिडेविट बनवाने के बाद दोस्तों तीसरा आप लोगों के पास एक पासवर्ड साइज फोटो होना चाहिए, उसके बाद सर्विंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी यूनिट, मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में अपना बताया हूँ, आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोस्तों आपका करेंट का होना चाहिए, और उसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका आर्म लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जनरली दोस्तों, कौन कौन आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इंडियन व्यक्ति होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों कोई अपराध पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई अपराध हुआ, कभी भी पास्ट में किसी के ऊपर अपराध हुआ तो वो व्यक्ति फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं, उसको आर्म लाइसेंस बहुत अधिक जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, वो व्यक्ति जो मतलब बिजनेसमैन हो या फिर बैंक से रिलेटेड व्यक्ति हो, जो बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, उन लोगों को भी गन रखने का मतलब लाइसेंस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को अब वीडियो पे लेकर चलता हूं और आप लोगों को ऑनलाइन प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आप गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए एक ब्राउजर को ओपन करना होगा आप लोगों को, या तो फोन पे या तो फिर लैपटॉप पे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, या फिर अपने फोन के थ्रू भी कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों, ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप लोग को लिखना आर्म, ARMS आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन। तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों, लिखने के बाद आप लोगों को इंटर करना है। तो जैसे दोस्तों आप इंटर करते हो तो देख सकते हो ये साइड ओपन हो चुका है, तो ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हो तो देख सकते हो दोस्तों आर्म लाइसेंस ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप लोगों का एक होम ऑप्शन है, होम के बाद अप्लाई ऑनलाइन है, उसके बाद हु इज एलिजिबल, हाउ टू अप्लाई, फीस स्ट्रक्चर। तो देख सकते हो दोस्तों, ये ऑप्शन आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हु इज एलिजिबल मतलब कौन कौन एलिजिबल है रखने के लिए गन, तो आप लोगों को वो चेक करना है। तो सबसे पहले आप हु इज एलिजिबल पे क्लिक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, मैं हु इज एलिजिबल पे क्लिक करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है गन रखने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो, इज एलिजिबल, ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल्स, मतलब ये जो डिटेल्स है दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, आप अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, और रीड करने के बाद आप समझिएगा कि कौन कौन एलिजिबल है रखने के लिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद ही अप्लाई करोगे। उसके बाद दोस्तों, जस्ट आप बगल में देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, और उसके बगल में फीस स्ट्रक्चर है। तो आइए दोस्तों, मैं फीस और स्ट्रक्चर भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल्स में समझा देता हूं कि क्या कैसे कैसे कितना चार्ज लगेगा, कौन से गन का कितना चार्ज है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आता हूं उस पर, फीस और स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा और आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा कि फीस और स्ट्रक्चर कितना लगने वाला है आप लोगों का। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो टेबल ए, ये जो टेबल ए में शो हो रहा है ये फीस एंड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, लाइसेंस इशू अंडर द सेक्शन 34A, यहां देख सकते हो दोस्तों, यहां फी एंड स्ट्रक्चर आप लोगों को सब दिखा रहा है। फर्स्ट में देख सकते हो दोस्तों, ए नंबर में हैंड गन्स, रिवॉल्वर, पिस्टल बोथ और प्रीमिसेबल। तो दोस्तों देख सकते हो, ये जो हैंड गन्स है और रिवॉल्वर है, उसका ₹1000 आप लोगों का एक साल का लाइसेंस का लगेगा, जिसको आप बाद में रिन्यू कराओगे तो ₹500 लगेगा। उसके जस्ट नीचे दोस्तों देख सकते हो टेबल बी, मतलब ये बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो ये बी नंबर पे देख सकते हो दोस्तों, लिखा हुआ सेंटर फायर रिवॉल्वर्स सेमी ऑटोमेटिक एंड अदर ऑफ कैटेगरीज बी और सी। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों,
इसका भी ये जो का 1000 रुपीज 1 ईयर का अगले वाला है जिसका आप रिन्यू कराते हो तो एक बार दोबारा से आप लोगों का 1000 रुपया लगेगा। उसके बाद ब्रेंच लोडिंग सेंटर फायर राइफल्स नॉट सेमी ऑटोमेटिक सी नंबर में देख सकते हो दोस्तों, ये सी नंबर में भी जो गन है इसका भी मतलब ये गन नहीं दोस्तों ये राइफल से इसका 1000 रुपीज अगेन लगेगा, दोबारा इसका रिन्यू का भी 500 है। उसके बाद दोस्तों 22 बोर्स फायर राइफल्स इसका भी 1000 रुपीज लगेगा जिसका रिन्यू का 500 रुपीज है। उसके बाद दोस्तों स्मूच बोर लोडिंग शॉर्ट गन्स इसका भी दोस्तों 1000 था, तो सकते हो अपने घर पे मतलब अपने पास अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो आइए दोस्तों मेन मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों मैं अब अप्लाई पे जाता हूँ, अप्लाई ऑनलाइन देख सकते हो दोस्तों होम का जो ये पेज आप देख रहे हो यहाँ पर होम लिखा हुआ उसके जस्ट बगल में सेंटर है, सेंटर के जस्ट बगल में अप्लाई ऑनलाइन है, अप्लाई ऑनलाइन पे मैं क्लिक करूंगा। और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे मैं क्लिक किया हूँ दोस्तों, जैसे मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया हूँ देख सकते हो दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। अप्लाई हेयर है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन प्रिंट है, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड इमेज, मैक पेमेंट, सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को अप्लाई हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो बचा हुआ ऑप्शन है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन प्रिंट आउट अपलोड डाउनलोड अपलोड इमेज मैक पेमेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस के बारे में बताऊंगा। तो अप्लाई हेयर पे मैं क्लिक करता हूं। अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। एक फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन ओनली, और उसके बाद स्टेट होम डिपार्टमेंट डीएम एसडीएम अदर एमएचए, तो सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और कैटेगरीज में दोस्तों आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करोगे, डीलर हो तो डीलर, इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करोगे, इंस्टीट्यूशनल हो तो इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों मैं इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करूंगा, तो इंडिविजुअल में सिलेक्ट कर लिया हूं। इंडिविजुअल का मतलब होता है दोस्तों अपने खुद के लिए आप रख रहे हो। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको स्टेट को अपना सिलेक्ट करना है। स्टेट के बाद दोस्तों आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। अब नेम ऑफ लाइसेंस ऑथोरिटी, तो आपका अधिकार आप लोगों को कौन देगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो देंगे, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। सर्विस, यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे दोस्तों तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होगा, तो आप लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन जो फॉर्म ए दिया हुआ उसी पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को अगले प्रोसेस पे आना है। तो जैसे आप दोस्तों अगले प्रोसेस पे आते हो तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि नेम हो गया एप्लीकेंट का, पेरेंट्स नेम हो गया पेरेंट्स या स्पॉन्सर नेम है, फिर जेंडर है, जेंडर के बाद आपका बर्थ स्टेट, बर्थ मतलब बर्थ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मतलब जो भी ये डिटेल्स आ रहा है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से भर लेना है। भर करने के बाद दोस्तों अगर आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस में आने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो भी प्रोसेस है मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा कि कैसे कैसे दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करना है। तो आइए दोस्तों मैं अब फटाफट भर लेता हूं और भरने के बाद सारा प्रोसेस आगे का बताता हूं। तो देख सकते हो दोस्तों अभी मैं फॉर्म भर रहा हूं, तक के लिए आप वेट कीजिए और भरने के बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे आप ये पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो यहां से आप दोस्तों देख सकते हो कि आप लोगों को अपलोड इमेज करने के लिए एक बोल रहा है, उसके बाद अपलोड कुछ डॉक्यूमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों पहले आप अपना इमेज को अपलोड कीजिएगा, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, मतलब आप प्रिंट आउट खुद से निकाल लीजिएगा जो भी आप भरे थे फॉर्म का। उसके बाद आप लोगों को प्रिंट आउट निकालने के बाद एक मेक पेमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं, मेक पेमेंट को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। और आप जो भी मतलब सिलेक्ट किए थे पिस्टल अगर सिलेक्ट किए थे या राइफल किए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पेमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपके फोन पे एक SMS जाएगा जो फोन नंबर आप यहां पर दिए थे जिसमें आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। एप्लीकेशन नंबर के बाद दोस्तों आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ देना होगा जो भी आपके आधार पे था और इंटर द कोड करना होगा। तो दोस्तों ये स्टेटस को चेक करने के लिए आप लोगों को देख सकते हो ये एकदम कॉर्नर पे कॉन्टेक्ट अस के जस्ट बगल में एप्लीकेशन स्टेटस पे आना है पेमेंट करने के बाद, और आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ भरना, उसके बाद
यहाँ पर एक कोड आएगा दोस्तों, कोड को भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ फॉर्म स्टेटस में लिख देगा कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया है और आपका लाइसेंस जल्दी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। तो ईमेल आईडी पे लाइसेंस आ जाएगा, उसके बाद आप गन परचेस कर सकते हो दोस्तों।